देश के अंदर क्या माहौल बना हुआ है, महंगाई कहाँ पे है, बेरोजगारी कहाँ पे है, किसान मर रहा है, बड़ा सारा लोग कहा रहा है। किसने आन के उधर पता चलो नहीं। आइए आइए मैडम इधर आइए, मैडम इधर आइए, आइए आइए माता जी, कोर्ट साहब इधर आइए। जो पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हुई हैं, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, जिस तरीके से पूरी देश की जनता उबल रही है, त्राही त्राही कर रही है, तेल की कीमतें बढ़ने से सिर्फ तेल की कीमत नहीं बढ़ती, देश के अंदर महंगाई एकदम से बढ़ जाती है, माल का माल बाड़ा जो है उसमें वृद्धि हो जाती है, उसमें आने वाली चीज़ें रोज़मर्रा की जो जिंदगी की चीज़ें हैं, मोदी सरकार ने तेल की कीमतें कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, नौजवानों को नौकरियां देंगे, देश के अंदर शांति का माहौल होगा, बॉर्डर जो होगा वो सुरक्षित रहेगा। हर मोर्चे पे जो सरकार फेल हुई है तो देश की जनता ने फिर भी सब्र किया, लेकिन आज जो उन्होंने जब गब्बर सिंह टैक्स जिस तरीके से पिछले 6 महीने से हर रोज़ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उन कीमतों का विरोध करते हुए मोदी सरकार को ये चेतावनी है कि देश की जनता का मूड देखिए, किस तरीके से आप जो देश की जनता को लूट रहे हैं, गरीबों का जो पैसा जो टैक्स के रूप में जमा हो रहा है वो देश के बड़े बड़े उद्योगपति जो मोदी साहब के जो मित्र हैं वो लेके फुर रो रहे हैं। देश की जनता और कांग्रेस कभी भी ये सरकार ये बर्दाश्त न करेगी और देश की जनता को लूटने देगी। धन्यवाद। पेट्रोल और डीजल पे जो इतनी कीमतें बढ़ गई हैं, अगर उसमें हर सरकार हर स्टेट अपना GST काम करे तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाती है। पेट्रोल डीजल ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई इस्तेमाल करता है, आज छोटे से छोटा बड़े से बड़ा इस्तेमाल करता है, तो ये कीमतें बढ़ने से जैसे कहा गया है कि बाकी कीमतें भी बढ़ती हैं इसके साथ, तो मोदी सरकार करती क्या है? पहले इसने बोला हम वुमेन के लिए ये करेंगे वो करेंगे, वुमेन भी आज तड़प रही है, कुछ नहीं हो रहा उसका भी। और देखो जो हालात हैं देश में बिगड़ रहे हैं, आज तो जनता उठ रही है उठेगी। ये 2019 का चुनाव कहते हैं ना जीतना नहीं ये हारेंगे, और ये पक्की बात है। सभी को लेके चलेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं सर, मैं किधर है उधर में इकट्ठे होना, उधर कोई नहीं आया, उधर नहर पे कोई बंदा नहीं। सर अब क्या कहेंगे जिस तरह से तेल के? देखिए जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आज जो भारत बंद है उषा भवन, जैसे आज क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में भारत बंद है, तो हमारा कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी लाल रामलीला ग्राउंड के पास पेट्रोल पंप पे वहाँ सभी बैठे हुए हैं, और उन्होंने आज जो भारत बंद की जो कॉल दी है उसमें सभी जितने लोग हैं सभी पार्टियों के 21 पार्टियों के लोग वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज आप जानते हैं कि जो भारत बंद का मुद्दा जो है महंगाई का है, तेल का है, पेट्रोल का है, बाकी जो चीज़ों का जो इतना भाव उन्होंने बढ़ा दिया है उनको कम करने के लिए कांग्रेस ने आज पूरे भारतवर्ष में एक भारत बंद का जो ऐलान किया है वो मोदी सरकार को ये जगाने के लिए किया है कि वो ये जाने कि उन्होंने जो पेट्रोल मैं यूपी की गवर्नमेंट में 44 रुपये मिलता था आज वो 88 रुपये मिल रहा है, गैस का कनेक्शन जो 440 रुपये मिलता था आज 900 रुपये का मिलता है, डीजल का तेल जो 37 रुपये मिलता था आज 75 रुपये हो रहा है, और दालों की कीमत कहाँ के कहाँ चलेगी, जो 40 रुपये किलो मिलती थी आज 200 रुपये किलो मिल रही है। तो ये सभी मुद्दे जो हैं महंगाई के इसके बारे में जो आज भारत बंद का ऐलान है उसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलर जम्मू में आज पूरा जम्मू बंद का जो ऐलान है वो सभी वर्कर यहाँ कटे अपने अपने इलाके से सभी आ रहे हैं, जैसे जे कोल साहब हमारे ब्लॉक प्रेजिडेंट हैं, ये रिछपाल जी हैं, बाकी हैं ये तलातलो नहर वो सभी आ रही हैं, अभी जो शक्ति नगर से लोग वो आ रहे हैं,
और जो अभी रेहाड़ी से वो रघुनाथ बाजार से होकर सभी आने में सर असर नहीं दिख रहा है। नहीं, जम्मू में हमने ये कहा कि अगर लोगों को थोड़ा सा एहसास हो कि महंगाई के बारे में ये को कांग्रेस पार्टी जो कर रही है इसमें कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है, इसमें 21 पार्टियों के जो पार्टिसिपेंट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये सबका ये कांग्रेस का मुद्दा जो कांग्रेस तो आगे आई है लेकिन जो मुद्दा जो है ये आम पब्लिक का है। जम्मू में कौन कौन सी पार्टियाँ सर? देखिए जम्मू में तो मैं जो रिक्वेस्ट है वो सबको मैं के सेंटर से भी हुई है, आप अपने अपने इलाके में जो अपने अपने ब्लॉक में अपने अपने वार्ड में अपने अपने एरिए में सभी लोग जो हैं वो कर रहे हैं, जो यहाँ इकट्ठे कम से कम 1000 आदमी अभी देखे को 10-15 मिनट में यहाँ 1000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा और 1000 आदमी इकट्ठा होकर यहाँ से पूछ माछ करेगा और थोड़ा सा आप देखेंगे पूरे जम्मू में ये पूरे जम्मू में ये अकेली एक जगह नहीं है, जैसे पुल के विक्रम चौक में है और उसके बाद ये जो बच्चों के स्कूल भी लगे हैं सर, आज स्कूल गए उसमें नहीं, उसमें ये था स्कूलों की बसें जो थी वो 6 में निकलती हैं, हमने इनको कहा था कि ये कुछ स्कूलों में छुट्टी की है, कुछ स्कूलों के बच्चे वो नहीं आए, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ नहीं चलाई, अब जो मुझे सुबह से चले गए हैं अब उनको वो मतलब हमने 3 तक है 3 तक वो चलेंगे, लेकिन ये लोगों को खुद एहसास होना चाहिए कि आज का जो मुद्दा है वो अकेले कांग्रेस का नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का है, सब लोगों का है, महंगाई कांग्रेस के लिए भी उतनी है, महंगाई मतलब बीजेपी के लिए भी उतनी है, महंगाई सब लोगों के लिए उतनी है, तो इसमें ये मुद्दा जो आज का है ये सब का है।